नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गट हेल्थ के बारे में। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो हमारे डाइजेशन वीक होने के कारण होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के कारण होती है। इसीलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना बहुत ही आवश्यक है अगर आपको ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखना है। तो ये वीडियो में हम वही बात करेंगे कि अगर आपका डाइजेशन वीक है या कुछ ना कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसके क्या सिम्टम्स आते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड होलिस्टिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टमक ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि माउथ, इसोफेगस मतलब फूड पाइप, लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। सो कुछ फन फैक्ट्स जान लेते हैं हमारे गट के बारे में। तो हमारे गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ लाइव बैक्टीरिया होते हैं और ये लाइव बैक्टीरिया को गट माइक्रोबायोम बोलते हैं, और ये गट माइक्रोबायोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे वेट के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। और जो गट माइक्रोबायोम होते हैं वो हर एक के बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स एक यूनिक होते हैं ना, वैसे ही ये गट माइक्रोबायोम भी अलग अलग होते हैं हर एक के बॉडी में। इसीलिए ये गट माइक्रोबायोम को मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो फिर कैसे जानेंगे कि हमें कुछ गट की प्रॉब्लम है या उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में अभी जान लेते हैं। तो अगर आपको कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम है या आपको कुछ गट इश्यूज़ है तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं वो है, सबसे पहला है कि फ्रीक्वेंट ब्लोटिंग, आपको बार बार ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी। देन हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल, फिर IBS की प्रॉब्लम हो सकती है। वेट में फ्लक्चुएशन होता है, किसी किसी को सडन वेट लॉस होता है, किसी किसी को वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, तो वेट फ्लक्चुएशन ये भी एक सिम्टम है गट इश्यूज़ का। फिर उसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्जिमा, सूर्यासिस, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो काफ़ी बार हमें लगता है कि ये स्किन की प्रॉब्लम है, बट ये स्टार्ट होती है हमारे गट से। जो स्पेशली एक्जिमा और सोरियासिस, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसका कारण होता है लीकी गट। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है या टॉक्सिन्स है वो लीक होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और उसके कारण हमें स्किन इश्यूज हो सकते हैं। फिर स्ट्रेस और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आपका गट ठीक नहीं है या आपको कुछ ना कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो अभी हम जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे हमारा गट हेल्थ इम्प्रूव हो। तो कुछ चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। सबसे पहला, जब भी हम खाना खाते हैं तब एक जगह शांति से बैठ के अच्छे से चू करके आपको खाना चाहिए, बहुत ही हड़बड़ी में या बहुत ही हेस्टिली ऐसे खाना आपको नहीं खाना चाहिए। अच्छे से टाइम देके ही आपको खाना खाना चाहिए ताकि फूड बराबर इससे डाइजेस्ट हो, क्योंकि कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जब हम खाना चबाते हैं या खाने को चू करते हैं। तो इसीलिए आपको ये जो खाना शांति से बैठ के टाइम दे के खाना चाहिए। फिर दूसरा है, हमको स्टमक एसिड जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एसिड ज़्यादा बनने की वजह से होता है, बट ये गलत है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है स्टमक एसिड लो होने के कारण, क्योंकि स्टमक एसिड का काम जो होता है, जो खाना पेट के अंदर चला जाता है उसको बराबर से डाइजेस्ट करना। तो अगर आपको स्टमक एसिड लो रहेगा तो आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि जो इसोफेगस और स्टमक, इसको जो कनेक्ट करता है उसको GES स्पिंक्टर बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। तो ये स्पिंक्टर के जो मसल्स है वो तभी काम करते हैं जब पेट के अंदर स्टमक एसिड बराबर से हो। अगर स्टमक एसिड बराबर से नहीं बना तो ये स्पिंक्टर बराबर से काम नहीं करता और वो स्पिंक्टर लूज हो जाता है और उसके कारण जो स्टमक एसिड है वो ऊपर आ जाता है इसोफेगस में या हमारे फूड पाइप में आ जाता है। तो इसके लिए स्टमक एसिड को मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए वो सारी चीज़ें खानी पड़ेगी जिससे स्टमक एसिड बनता है और मेंटेन होता है,
तो सबसे पहले आपको प्रोटीन का इंटेक सही रखना है, क्योंकि प्रोटीन आवश्यक होता है स्टमक एसिड को बनाने के लिए। उसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो या लेमन वाटर रेगुलरली ले सकते हो, जिससे हमारा स्टमक एसिड बराबर से बनेगा और डाइजेशन का प्रोसेस भी बराबर से होगा। फिर अगली जो चीज़ है वो है प्रोबायोटिक। हमको सबको पता है कि प्रोबायोटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन को सही रखने के लिए। तो ये प्रोबायोटिक में क्या होता है, लाइव बैक्टीरिया होते हैं कि दही, किमची, सावरक्राउट या बटर मिल्क, ये चीज़ें अगर आप रेगुलरली लेते हो तो हमारा गट माइक्रोबायोम है वो मेंटेन रहता है, और जो खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी अब्जॉर्ब करने के लिए ये प्रोबायोटिक हेल्प करते हैं। इसीलिए आपको रेगुलरली प्रोबायोटिक लेने चाहिए। अगला जो है वो है प्रीबायोटिक। आपको प्रीबायोटिक रेगुलरली लेने चाहिए। प्रीबायोटिक में लाइव बैक्टीरिया नहीं होते, बट प्रीबायोटिक जो होते हैं वो गट बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आपको प्रीबायोटिक भी रेगुलरली लेने चाहिए। तो कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है उसके अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि बनाना, गार्लिक, अनियन, बेरीज, तो ये चीज़ें भी आप रेगुलरली ले सकते हो। फिर अगली जो चीज़ है वो है आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल्स, ये सब खाना काफ़ी कम कर देना है या बंद कर देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी गट माइक्रोबायोम को अफेक्ट करती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, और फिर आपको डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं और उसके कारण बाकी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें खाना बंद कर देना चाहिए। फिर लास्ट जो है वो है स्ट्रेस रिडक्शन। सो स्ट्रेस को रिड्यूस करना और स्लीप को इम्प्रूव करना ये भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर आपको गट हेल्थ को ठीक रखना है तो, क्योंकि काफ़ी बार इनकम्प्लीट स्लीप या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण भी हाइपर एसिडिटी, ब्लूटिंग या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए अगर आपको आपके गट को हेल्दी रखना है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। So eat healthy, stay healthy and take care of yourself. Bye-bye.